नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। पिछला जो हमारा वीडियो था मैंने जो बैंड को लेकर, आज हम उसका जो प्रश्नोत्तरी है वो हम लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। राजस्थान के मैंने जो बैंड से जितने भी अब तक परीक्षा में सवाल आए हैं, राजस्थान पुलिस के अंदर, पटवारी के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकेंड ग्रेड के अंदर, रेप के अंदर, जेल प्रहरी के एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम से, वो सारे कलेक्शन जो सवाल हैं उन सबका कलेक्शन इस वीडियो के अंदर किया गया है। आप ध्यान से वीडियो को समझें, देखें और सवालों के आंसर भी दें। देखो, पहला आपके पास सवाल है कि राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कब आते हैं? तो ये देख लो, सर्दियों में आते हैं, ठीक है। कुरंजा पक्षी जिसको हम बेमोसिल क्रेन कहते हैं, ये ध्यान रखना कि कुरंजा पक्षी को क्या कहा जाता है, बेमोसिल क्रेन के नाम से हम इसको जानते हैं। कहाँ बहुत बड़ी संख्या में आते हैं? तो बेमोसिल क्रेन जो है बहुत बड़ी संख्या में आपने मिलेंगे। आप आंसर देख लो, कौन सा गाँव है? खिंचन। खिंचन जो गांव है वो आता है राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर, ठीक है। तो खिंचन गांव जोधपुर के अंदर जो कुरंजा पक्षी है, डेमोसिल क्रेन जो है, वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में आते हैं। इसके साथ आप इसमें एक ये बात भी याद रख लो कि जो कुरंजा पक्षी है वो अपना बैंड है ताल छापर, इसके अंदर भी ये जो पाए कुरंजा पक्षी है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा कृष्ण मरग भी ताल छापर चूरू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। सवाल आपका है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? तो देखो, राजस्थान के अंदर तीन राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, केला देव घाना पक्षी विहार, और ये तीसरा होता है मुकुंदरा हिल्स या दर्रा जिसको हम वर्तमान में कहते हैं। ये सवाल है LDC फर्स्ट पेपर जो 12/2018 को हुआ था। सवाल का आंसर देखो, ऑप्शन आपके पास है 10 अप्रैल 2013, 9 अप्रैल 2012, 14 फरवरी 2012 और 26 जनवरी 2013। तो 9 जनवरी 2012 को जो है दर्राया मुकुंदरा जो है उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। देखो क्या था, दर्राया जो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना होती है 1955 के अंदर, ठीक है। फिर आगे आए और 9 जनवरी 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। उसके बाद 2013 में यहाँ राजस्थान की तीसरी जो बात परियोजना है उसको शुरू किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है 1980 के अंदर बनता है रणथंभौर, और 1981 में बनाया गया था केला देव घाना पक्षी विहार को, और 2013 में बनाया गया था, सॉरी 12 में बनाया गया था किसको, दर्रा या मुकुंदरा, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय उद्यानों के तीन साल हैं, तीन राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर है, पहला 1980, दूसरा 81 और तीसरा 2012। इसी दर्रा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1955 में, राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया 9 जनवरी 2012 को, और यहाँ जो बात परियोजना शुरू हुई थी वो 2013 को शुरू हुई थी, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 9 जनवरी 2012 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला जो सवाल है, राजस्थान में सीता माता बैंड प्रसिद्ध है किसके लिए? तो देखो, सीता माता बैंड प्रसिद्ध है विशेष रूप से उड़न गिलहरी के लिए जो बैंड वो प्रसिद्ध होता है। इसके अलावा सीता माता बैंड के अंदर और क्या पाया जाता है? तो सीता माता बैंड के अंदर हमें सबसे ज्यादा सागवान के वन मिलते हैं, सबसे ज्यादा औषधियां यहाँ मिलती हैं, जाखम और करमोई नदियां यहाँ प्रवाहित होती हैं, और लवकुश के झरने इस बैंड के अंदर स्थित हैं। यह बैंड राजस्थान का वह बैंड जो अरावली विंध्याचल और मालवा पठार के संगम पर स्थित है। तो ये सारी बात सीता माता बैंड की है, और सीता माता जो बैंड है वो स्थित है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंदर, और इसका जो विस्तार है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों के अंदर मिलता है, ठीक है। तो सवाल का आंसर हुआ उड़न गिलहरी के लिए। नेक्स्ट अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? देखो, यहाँ क्षेत्रफल की बात ये कर रहा है, राजस्थान में तीन राष्ट्रीय उद्यान है, अभी हमने बात की थी, ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवला देव, जिसका क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 28 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं आपसे बात कर लूं कि राजस्थान का ये सबसे जैसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटे की बजाय अगर हमसे पूछ ले सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आप बताओगे किसको, रणथंभौर। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल है 282 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान आप रख ले रहे हो दर्रा, जिसका क्षेत्रफल होता है 199 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों का ही जो एरिया है वर्ग किलोमीटर के आधार पर वो बता दिया है। जबकि सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो है केला देव राष्ट्रीय उद्यान। केला देव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 28 वर्ग किलोमीटर, रणथंभौर का है 282 और दर्रा का है 199 वर्ग किलोमीटर।
सबसे बड़े की अगर बात आए तो रणथंभौर हो जाएगा, सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात आए तो वहां अपना आंसर हो जाएगा एवढा। देखो ये तो राष्ट्रीय उद्यान की बात थी। अगर हमसे वन्य जीव अभयारण्य की बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा और राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो एक हमने पढ़ा था राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर और इसका क्षेत्रफल था 3162 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जबकि हमने ये तो सबसे बड़े की बात होगी, अगर हमसे सबसे छोटा पूछ रहा है तो हम कह देंगे कि राजस्थान का सबसे छोटा जो वन्य जीव अभयारण्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो है सरिस्का ए, जिसका क्षेत्रफल होता है 3.01 वर्ग किलोमीटर। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर, तो यहाँ इस सवाल के अंदर इनको हमने साथ लिया। नेक्स्ट अगला सवाल हम देखें तो सवाल है आपका कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। देखो हमने पढ़ा था वीडियोस के अंदर कि राजस्थान में चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है वो, देखो इसमें नाम आ रहा है राष्ट्रीय लेकिन ये कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है वो भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य है, और इस सवाल का आंसर भी क्या है कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है, तो वो है चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ठीक है। राजस्थान के कौन से जिले में है, कोटा, कोटा जिले का ये अभयारण्य होता है। नेक्स्ट अगर इसी में हम बात करें तो जैसलमेर है, जवाहर सागर है, जवाहर सागर कहाँ स्थित है, कोटा के अंदर। जवाहर सागर का एक सवाल है घड़ियाल को लेकर ही कि यहां पर घड़ियालों का जो है प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछे कि घड़ियालों का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है तब आप कह देंगे जवाहर सागर। और अगर सवाल याद आ रहा है कि संरक्षित करने के लिए जो कौन सा भयन प्रसिद्ध है तो वो हम बता देंगे चंबल घड़ियाल अभयारण्य। जैसलमेर उदयपुर में है जिसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। बन बारेठा राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर है, काकुंड नदी यहाँ प्रवाहित होती है और इस बन बारेठा को परिंदों का घर कहा जाता है और ये जो बन बारेठा है यहाँ जरख पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो इस सवाल का जो आंसर है वो है चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा अभयारण्य चूरू जिले में स्थित है, तो चूरू जिले का जो अभयारण्य है वो ताल छापर है। ताल छापर किस लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मार्ग और कुरंजा पक्षी, कृष्ण मार्ग और दूसरा है कुरंजा पक्षी जिसे डेमोसिल क्रेन के नाम से भी जानते हैं, इनके लिए जो अभयारण्य वो प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा ताल छापर में मोतिया घास पाई जाती है, लेगर फाल्कन पक्षी पाया जाता है, बार हेडेड गूज नामक जो पक्षी है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है, सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हमने पढ़ा था कि सरिस्का जो है वो हरे रंग के कबूतर के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक मयूर घनत्व सरिस्का के अंदर मिलता है और सरिस्का के अंदर ही आप जाओगे तो पांडुकोल हनुमान मंदिर है, भरथरिका मंदिर है, तालवृक्ष मंदिर है, ये सब सरिस्का के अंदर स्थित है। सरिस्का से ही राजस्थान के अंदर 1977 में सेकेंड जो बाघ परियोजना है उसको भी शुरू किया गया था, जबकि राजस्थान की पहली जो बाघ परियोजना है वो 1973 में शुरू हुई थी और तीसरी जो बाघ परियोजना है वो 2013 में दर्रा से शुरू हुई थी, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर है हरा कबूतर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है, मतलब ये सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कार्य का नाम बताओ इन चारों में से जो जैव विविधता संरक्षण में बाधक है, यानी जैव विविधता को आगे बढ़ने से रोकता है और वन्य जीवों के लिए भी वो संरक्षण में क्या है बाधक है। तो इनमें से देखो एक तो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है आपको वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कटाई कर देना, वन रोपण ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वन लगाना, अभयारण्यों की स्थापना करना जैसे नए नए अभयारण्य बनाना और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना। तो देखो ये तीनों तो ऐसे कारक होंगे जो वन्य जीव और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ठीक है। लेकिन वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई ऐसा कारक होगा जो बाधक होगा, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा वनोन्मूलन करना। नेक्स्ट अगला सवाल देखें, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता, यानी राजस्थान का वो अभयारण्य जहां पर पक्षियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो है पाई जाती हैं, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, केवलादेव घना पक्षी विहार है भरतपुर के अंदर, जहां राजस्थान में सभी प्रकार के या विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर एक घास मिलती है एंचा, जो पक्षियों की मृत्यु का सबसे मूल कारण मानी जाती है। सवाल ये होता है कि राजस्थान के अंदर जो केवलादेव घना पक्षी विहार है उसमें पक्षियों की सर्वाधिक मृत्यु का कारण क्या है, तो वो होती है एंचा घास। ये सवाल आप जरूर याद रखना, एंचा घास, ठीक है।
पक्षियों की सर्वाधिक मृत्यु का यह कारण माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसी की बात करें तो 1985 के अंदर इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था केला देव को। तो सवाल आपसे पूछ ले कि राजस्थान का एकमात्र प्राकृतिक स्थल जिसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया तो वो केला देव होगा। इसके अलावा केला देव की ओर अगर हम बात करें तो केला देव की स्थापना होती है 1955 के अंदर और इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है 1980 के अंदर। नेक्स्ट इसकी बात होती है कि यहाँ पर पाइथन पॉइंट नामक स्थान है जहाँ पर अजगर पाए जाते हैं। ये केला देव स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत आता है। इसको जल की आपूर्ति जो है वो अजान बांध और गोवर्धन ड्रेन नामक नहर से की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सलीम अली पक्षी चिकित्सा केंद्र है। यहाँ पर केला देव मंदिर है। सलीम अली जो है वो राजस्थान के पहले पक्षी वैज्ञानिक थे। जबकि राजस्थान के अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि एकमात्र जो पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ पर है तो वो जौहरी बाजार जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये सारी बात हमने केला देव के अंदर सीखी हुई थी वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट अगर आपका सवाल है कि साइबेरियन सारस जो साइबेरिया से आते हैं, साइबेरिया क्या है? साइबेरिया रूस का वो हिस्सा है, रूस देश का, जो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, उसको हम साइबेरिया कहते हैं। तो वहां के जो सारस हैं उनको कहा गया साइबेरियन सारस। किस ऋतु में घाना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आते हैं? तो ये कौन सी ऋतु के अंदर आते हैं? शीत ऋतु में, विशेष रूप से जब भयंकर सर्दी गिरती है उस समय ये जो पक्षी है साइबेरियन सारस वो राजस्थान के केला देव घाना पक्षी विहार के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, कृष्ण मर्ग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभयारण्य का भ्रमण करना चाहिए? यानी ये सवाल ये कह रहा है कि आपको राजस्थान के कौन से अभयारण्य में कृष्ण मर्ग या काले हिरण मिलेंगे? तो चूरू जिले का अभयारण्य होता है कौन सा? तालछापर। ठीक है, फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर है जहां सो मान शिवाकर नदियां प्रवाहित होती है। सीता माता प्रतापगढ़ में है, पिछले सवाल में इसकी सारी बात हमने की थी। और नाहरगढ़ जो है वो जयपुर में राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। बीयर रेस्क्यू सेंटर यहाँ स्थित है, एक जैसे नौ महल यहाँ स्थित है, इसलिए इसको नाहरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और ताल छापर स्थित है चूरू के अंदर। ठीक है, जो कृष्ण मर्ग के लिए प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई थी? तो बाघ परियोजना यहाँ शुरू हुई थी, कोई शेर परियोजना या घड़ियाल परियोजना या हाथी परियोजना यहाँ पर नहीं है। इनको लेकर मैं आपको सवाल बता दूं, हाथी की अगर हम बात करें, हाथी को लेकर, तो 31 अगस्त 2010 को हाथी जो है उसे भारत का विरासत या धरोहर पशु घोषित किया गया था। भारत के अंदर सबसे बड़ी जो हाथी परियोजना है वो है सिंहभूम, और सिंहभूम जो है वो स्थित है झारखंड के अंदर। ठीक है, जबकि भारत के अंदर सबसे छोटी जो हाथी परियोजना है वो है ईंट टांकी, और ईंट टांकी स्थित है नागालैंड के अंदर। ठीक है, एक सवाल आता है हाथी गांव को लेकर, तो विश्व में कुल हाथी गांव कितने हैं? विश्व में कुल 3 हाथी गांव होते हैं। एक हाथी गांव है थाईलैंड के अंदर, एक होता है श्रीलंका के अंदर, और एक स्थित है हमारे देश भारत के अंदर। भारत में जो हाथी गांव है वो कहाँ है? तो भारत में जो हाथी गांव है वो स्थित होता है कुंडा ग्राम आमेर जयपुर के अंदर। ठीक है, तो विश्व में जो हाथी गांव है उनकी बात है तो 3 हाथी गांव है, कहाँ कहाँ पर? थाईलैंड, श्रीलंका और भारत। थाईलैंड को एक फिर एक सवाल हमारे लिए बढ़ जाता है कि थाईलैंड को हम कहते हैं सफेद हाथियों का देश। तो सवाल आया आपके लिए कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है, जबकि शहर देश है लाओस, और लाओस को कहा जाता है हजारों हाथियों की भूमि। तो हजारों हाथियों की भूमि कहते हैं लाओस को, जबकि सफेद हाथियों का जो देश है वो कहा जाता है थाईलैंड को। ठीक है, भारत के अंदर हाथी को धरोहर या विरासत पशु 31 अगस्त 2010 को घोषित किया गया था। सिंहभूम भारत का सबसे बड़ा हाथी आरक्षित क्षेत्र है, और ईंट टांकी नागालैंड भारत का सबसे छोटा हाथी आरक्षित क्षेत्र है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य की अगर हम बात करें तो घड़ियाल परियोजना जो है वो कोटा के अंदर है, चंबल घड़ियाल अभयारण्य उसका नाम है। ठीक है, तो ये सारी बात थी। यहाँ शेर की अगर हम बात कर लें तो राजस्थान भारत के अंदर एक गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखें, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्य या कार्यों की पहचान करें। यानी हमें इन 4 में से वो कार्य बताने हैं जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए। तो देखो कौन कौन से हैं, एक तो राष्ट्रीय उद्यानों में अभयारण्यों की स्थापना करना, वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाना, ये भी होगा, वन रोपण करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी ऐसे कारण हैं जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए।
सूची फर्स्ट में मैंने जो अभयारण्य लिखे हैं, सूची सेकंड के अंदर जिला लिखा हुआ है, मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है। तो देखो बंदवारा का है भरतपुर के अंदर, यानी पहले का जो आंसर है वो थर्ड नंबर है, ठीक है। सेकंड है हमारा सीतामाता, सीतामाता राजस्थान के चित्तौड़गढ़, यहाँ प्रतापगढ़ नहीं है, देखो तो प्रतापगढ़ नहीं है तो किसका नाम आ रहा है चित्तौड़गढ़, क्योंकि सीतामाता जो अभयारण्य है उसका विस्तार चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ दोनों ही जिलों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ फोर्थ जो है वो बी का आंसर है, और नाहरगढ़ स्थित है जयपुर के अंदर, सी फर्स्ट में है, और फुलवारी की नाल स्थित है राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर। तो अब हम इन ऑप्शंस को नीचे लेके कूट से सम्मिलित कर लेंगे। देखो ए जो है वो थर्ड है, तो इसमें थर्ड देखो कहां पर आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है, ठीक है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सीता माता को देखें बी में फोर्थ चित्तौड़गढ़, तो देखो इसमें फोर्थ आ रहा है, फिर नाहरगढ़ जयपुर फर्स्ट तो फर्स्ट आ रहा है, और फिर फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर है, डी उदयपुर सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये रहा। तो हमारा सवाल का जो आंसर है वो फर्स्ट है, ठीक है। तो ये हमें अभयारण्य बताने थे कहाँ कौन से जिले में, देखो ये इस प्रकार के सवाल जो है वही लगभग परीक्षा में ज्यादा रूप से पूछा जाता है, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, पटवार मेन्स एग्जाम 2016 का ये सवाल है। नेक्स्ट, अमृता देवी मरगवन कहाँ स्थित है, अमृता देवी मरगवन स्थित है खेजड़ी जोधपुर, ठीक है। अमृता देवी की स्मृति में एक पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार शुरू किया गया था 1994 के अंदर, किस घटना के बाद, तो खेजड़ली जोधपुर के अंदर 1730 में महाराजा अभय सिंह के समय वन संरक्षण की दूसरी घटना हुई थी। वन संरक्षण की जो पहली घटना है वो 1600 के अंदर जोधपुर के ही रावासड़ी गांव में होती है, जहां कर्मा और गोरा नामक दो विष्णोई महिलाओं ने वन संरक्षण हेतु अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, ठीक है। ये 1730 के अंदर खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वन संरक्षण की द्वितीय घटना होती है, जहां अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लगभग 363 स्त्री और पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। बिश्नोई समाज के अंदर इस घटना को शाका या खडाना कहा गया था। इसी घटना के कारण अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत होती है 1994 के अंदर 1994 में, और ये जो पुरस्कार है वो पहली बार पाली जिले के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। इस पुरस्कार में राशि भी दो प्रकार से दी जाती है, 50,000 और 1,00,000 रुपए। 50,000 किसी व्यक्ति विशेष को दिए जाएंगे, और 1,00,000 रुपए की जो राशि होती है वो किसी संस्था समिति या ग्राम पंचायत को दी जाती है। तो वो अमृता देवी, ठीक है, अमृता देवी मरगवन कहाँ पर है, तो हम बता देंगे कि ये राजस्थान के खेजड़ी जोधपुर में है। और जो राजस्थान में अगर हम मरगवनों की बात करें तो टोटल जो मरगवन है वो 7 है, एक होता है दुर्ग चित्तौड़ जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, एक है पुष्कर जो अजमेर में है, संजय उद्यान जयपुर में है, अशोक विहार ये भी जयपुर में है, माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क ये जोधपुर का है, अमृता देवी वाला भी जोधपुर में है, और एक है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ स्थित है आपका उदयपुर में, ठीक है। तो ये 7 राजस्थान के अंदर क्या हो जाएंगे, मरगवन हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगली बात करें, अगला सवाल, किस अभयारण्य में प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश का मंदिर स्थित है, ये सवाल कई बार परीक्षा में आया, जिले प्रहरी की एग्जाम थी 2017 में उसका ये सवाल है। तो ये स्थित है राजस्थान के कौन जिले में, रणथंभौर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में नम भूमि घोषित हुआ है। तो देखो ये रामसर केंद्र की हमने पहले बात की थी, मैंने आपको सिखाया था कि 1971 ईस्वी में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए पहली बार ईरान देश के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, जिसको हमने रामसर सम्मेलन का नाम दिया, ठीक है। फिर वर्तमान में हमने सीखा था कि भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम में 37 रामसर केंद्र या आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो है वो होता है सुंदरबन, और सबसे छोटा जो है वो है रेणुका, रेणुका हिमाचल प्रदेश के अंदर है और सुंदरबन पश्चिम बंगाल के अंदर है। राजस्थान की हमने बात की तो इन 37 में से 2 रामसर केंद्र जो है वो राजस्थान के अंदर है, रामसर केंद्र आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। 2 रामसर केंद्र राजस्थान में कौन कौन से हैं, एक होता है सांबर और एक है घाना पक्षी विहार, यानी केवलादेव घाना पक्षी विहार, ठीक है। तो यहाँ देखो सवाल है, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में नम भूमि घोषित हुआ है, तो यहाँ केवलादेव का कहीं नाम नहीं है, सांबर झील का नाम आ रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखें, देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये हमारे राजस्थान के अंदर ही शुरू किया गया था, ठीक है। देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल है, माउंट आबू अभयारण्य की प्रमुख विशेषता क्या है, जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे जो है वो माउंट आबू
अब हैंड की प्रमुख विशेषता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि माउंट आबू जो है उसको 2009 में वन्यजीव अभयारण्य की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है, और शामिल कर दिया गया था किसमें, इको सेंसेटिव जोन में इसको शामिल कर दिया गया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, रणथंभौर में टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो देखो राजस्थान के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब बाघ परियोजना, तो तीन बाघ परियोजना है, 1973 रणथंभौर, फिर 1978 सरिस्का और 2013 दर्रा, ये तीन बाघ परियोजना है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 1973 कहां पर, रणथंभौर। नेक्स्ट सवाल है, तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट स्थित क्षेत्र कौन सा है? तो वो होता है सवत्सर कोटसर, और स्थित है राजस्थान के चूरू जिले में। इसका क्षेत्रफल जो है वो 7091 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सवाल आया आपके लिए कि राजस्थान में सबसे बड़ा आखेट स्थित क्षेत्र, तो वह सवत्सर कोटसर चूरू जिले के अंदर है, क्षेत्रफल है 7091 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा जो है वो है कनक सागर, टंकी लिखा है, ये कनक सागर है, और कनक सागर बूंदी में है जिसका क्षेत्रफल केवल 1 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, अगर हमसे पूछा जाए कि राजस्थान में कुल जो आखेट निश्चित क्षेत्र हैं वो कितने हैं, तो वो 33 होते हैं, और सबसे ज्यादा जो आखेट निश्चित क्षेत्र है वो जोधपुर जिले में होते हैं, 7, ठीक है। तो ये इसकी बात हुई। नेक्स्ट, अगला सवाल है, तो किस जिले में वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ऐसे जिले का नाम बताओ इन चारों में से, बांसवाड़ा, पाली, धौलपुर, जयपुर। देखो जहां पर ना तो वन्यजीव अभयारण्य है और ना ही क्या नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान भी नहीं, जयपुर में है नाहरगढ़ और जमवारामगढ़, तो ये तो इस सवाल का आंसर नहीं है। धौलपुर में रामसागर वन विहार और केसरबाग, ये भी नहीं है। पाली जिले में आता है कौन सा, रावली टोटगढ़ अभयारण्य। रावली टोटगढ़ अभयारण्य के बारे में आपको सिखाया था कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभयारण्य जिसका विस्तार 3 राज्यों की सीमाओं के अंतर्गत आता है, तो पाली उसके अंदर शामिल हो जाएगा। बांसवाड़ा में कोई वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो इसका सवाल का जो आंसर है वो हमारा रहेगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट, कनक सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कनक सागर वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र आता है, ठीक है, और ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है वो राजस्थान के बूंदी जिले में है, और सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर होता है, पिछले सवाल में हमने इसकी बात की थी। नेक्स्ट, अगला सवाल हमारा है, सोरसैंड 12 के अंदर है नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है, या गोडाउन पक्षी की स्थली के लिए प्रसिद्ध है, या सर्प अभयारण्य है, या पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ये प्रसिद्ध है गोडाउन पक्षी की स्थली के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, जोधपुर जिले में स्थित अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो अमृता देवी जो पार्क है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, कृष्ण मार्ग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहां विकसित किया गया था? राजस्थान का पहला जो जैविक उद्यान है वो विकसित किया गया था कहां पर, नाहरगढ़। नाहरगढ़ स्थित है जयपुर के अंदर, जयगढ़ जयपुर का है, शेरगढ़ 12 में है, जिसको सांपों की शरण स्थली कहते हैं, परवा नदी किनारे स्थित है, और अकलवुड फॉसिल्स पार्क जो है अकल गांव वो जैसलमेर के अंदर है। नेक्स्ट सवाल, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र का क्या कहलाता है, उसे हम ओरन कहते हैं। मतलब ये सवाल ये कह रहा है कि कोई धार्मिक स्थल है, ठीक है, उसके चारों जो वन क्षेत्र है जहां पर शिकार नहीं कर सकते, तो उस वन क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, ओरन कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में सीता माता भैरण जिस जिले में स्थित है वह है, तो वो जिला कौन सा है हमारा, प्रतापगढ़। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार में कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई? तो देखो जैव विविधता बोर्ड जो है इसकी स्थापना की गई थी 2010 के अंदर, 2010 इसको आप मिल जाएगा, ये रहा सेकंड ऑप्शन है 2010। जैव विविधता को लेकर और भी कई सवाल है, जैव विविधता उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मिलेगी जहां पर हम कहें कि वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है और तापमान की मात्रा ज्यादा होती है, तो जिन क्षेत्रों में तापमान और वर्षा की मात्रा सर्वाधिक मिलेगी वहीं पर आपको जैव विविधता सर्वाधिक मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और ये भूमध्य रेखा है,
भूमध्य रेखा के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं पृथ्वी के जहां सबसे ज्यादा तापमान और सर्वाधिक क्या मिलती है, जैविक वर्षा होती। इस कारण इस भूमध्य रेखा क्षेत्रों में सर्वाधिक आपको क्या मिलेगी, जैविकता। अब जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे हैं या उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो तापमान में लगातार गिरावट आती जाती है। ये एक अलग सवाल है आपके लेवल में, उसको हम कई बार पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा से ज्यादा तापमान कहां मिलता है, तो वो अयनवर्ती अक्षांश में मिलेगा, कर्क रेखा और मकर रेखा की बात है। ठीक है, क्यों कर्क रेखा और मकर रेखा यानी अयनवर्ती अक्षांशों पर भूमध्य रेखा की तुलना में तापमान ज्यादा होता है, तो उसका सिंपल आंसर यह है कि अयनवर्ती जो अक्षांश है कर्क रेखा और मकर रेखा के जो क्षेत्र है वहां पर जो आकाश जो है वो बादल रहित होता है, वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर भूमध्य रेखा की तुलना में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग बात है, लेकिन हम यहाँ ये सामान्य सीख रहे हैं कि भूमध्य रेखा से सामान्यतः अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। तापमान अगर घटेगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे जिसके कारण वर्षा नहीं होगी। इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे तापमान और वर्षा दोनों की मात्रा में कमी होगी, तो जैविकता की मात्रा भी कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करें तो अगला हमारा जो सवाल है वो ये है कि जैव विविधता दशक कब बनाया गया, जैव विविधता वर्ष कब बनाया गया, जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है। तो देखो जैव विविधता दिवस बनाया जाता है 22 मई को, कितने मई को बनाया जाएगा, 22 मई। जैव विविधता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, तो वर्ष 2010 को जैव विविधता वर्ष के रूप में बनाया गया था। और जैव विविधता दशक की अगर बात करें तो 2011 से 2020 का जो टाइम है उसे जैव विविधता दशक के रूप में बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जैविकता को लेकर ही। और जैविकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं एडवर्ड ओ विल्सन, अमेरिकी कीट वैज्ञानिक थे, जबकि जैविकता हॉटस्पॉट, जैविकता ताप स्थल की अवधारणा सबसे पहले नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये भी आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सारी बात जैविकता को लेकर ही है। अगर इंडिया में जैविकता को लेकर आपसे दो तरीके के सवाल आएंगे, एक तो आपसे सवाल पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा जैविकता क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो जैविकता क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट होता है, जबकि भारत के अंदर सर्वाधिक जैविकता वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो साइलेंट वैली है केरल का, शांत घाटी, वो सबसे ज्यादा जैविकता वाला राष्ट्रीय उद्यान होता है। तो ये जैविकता के कुछ सवाल थे। नेक्स्ट सवाल आपका है कि राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल, पक्षी संरक्षण स्थल की बात कर रहा है, तो वो हमारा आंसर जो है होता है केलादेवी भाना पक्षी विहार, जिसे 1985 के अंदर यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें, बंद बारेठा जो भरतपुर जिले के अंदर है, वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में, सरल सही सवाल है कि बंद बारेठा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आंसर हमारा क्या होगा, भरतपुर, जिसे परिंदों का घर कहते हैं, जरक के लिए ये प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट सवाल देखो, तालछापर अभयारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मार्ग और कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के चूरू जिले में यह अभयारण्य जो है वो स्थित है। आरपीसी कलर ग्रेड सेकंड 2016 में यह सवाल है। आज का लास्ट जो सवाल है हमारा कि इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया, तो इको जो डेवलपमेंट कार्यक्रम है वो राजस्थान के अंदर कहां शुरू हुआ था, रणथंभौर के अंदर शुरू हुआ था। क्या है ये इको, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम, इको का मतलब होता है पर्यावरण, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, तो पर्यावरण के विकास को लेकर विशेष रूप से ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, ज्यादा से ज्यादा वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाए, उसके लिए ये कार्यक्रम इंडिया के अंदर शुरू किया गया था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो था, वन्य जीव अभयारण्य के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं। आप इन सवालों को बार बार रिपीट करें ताकि आप इनको याद कर सके। देखो इनको याद करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि आप जितनी बार इस क्वेश्चनों को रिपीट करेंगे, जितनी बार आप इनको देखेंगे, उतने ही आपको क्या होते जाएंगे, याद होते जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।